नमस्कार, प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ प्रतीक्षा वर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में समस्त दुकानों के खोलने के आदेश जारी होने के पूर्व आज नगर पालिका परिषद द्वारा पूरे नगर में सैनिटाइज का कार्य कराया जा रहा है, जिसमें नगर पालिका के कर्मचारियों एवं चेयरमैन प्रतिनिधि अमरीश गुप्ता ने स्वयं जाकर नगर की सारी दुकानों, मंदिरों, भवनों, चौराहों आदि को सैनिटाइज कराया। आज के आदेश जारी होने से पहले SDM ने सभी लोगों को अवगत कराया कि सभी लोग अपनी अपनी दुकानों पर एक समय सारणी जो बड़े बड़े अक्षरों में खुलने का दिन व समय निर्धारित कर चिपका दें। जिस दिन दुकानें खुलने का समय होगा उसी दिन वह दुकानें खुलेंगी। सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दुकानें खोलने का आदेश है। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए अनुज कुमार जैन की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के मोतीगरपुर थाना क्षेत्र के मेहमतपुर जंगलिया ग्राम निवासी दलबीर सिंह दास अपने धर्मपत्नी व बेटी सुनीता परिवार के साथ खुले आसमान के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर हैं। बता दें कि दलबीर सिंह दास मूल निवासी हरियाणा के हैं। ये पेशे से एक ओझा हैं। पीड़ित ने सुल्तानपुर जिले के मोतीगरपुर जंगलिया में 7.5 बीघा जमीन अपनी पत्नी के नाम खरीदी थी, जिसकी जमीन पर दबंगों ने कब्जा जमा रखा है। बता दें कि अपनी जमीन को छुड़ाने के लिए 19 वर्षों से लगातार कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस के चक्कर लगा रहा है पीड़ित, लेकिन कोई न्याय नहीं मिला। कानूनी कार्यवाही के बावजूद जिलाधिकारी का आदेश होने के बाद भी कोई अधिकारी घटनास्थल का निरीक्षण करने नहीं पहुंचा। सिर्फ कागजी कार्यवाही हो जाती है। अंततः उन्होंने सुल्तानपुर जिलाधिकारी सिंधुमती से गुहार लगाई है तथा उन्होंने जमीन को दबंगों के चंगुल से छुड़ाने का वादा किया है। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए KD विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आपका परिचय? मैं महमूदपुर जंगल में रहते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम दलबीर सिंह दास है जी, और मेरी पत्नी के नाम ये जमीन है। मेरी पत्नी का नाम धर्मवती है। अच्छा, मामला क्या है? मामला ये है जी कि हमें ये बुला कर लाए, ये जमीन लिखवाया। कौन? ओम प्रकाश त्रिपाठी। अच्छा, तो ये हमें बुलाए तो हम गाजियाबाद में अपने झाड़ फूंक के अपना गुजारा करते थे। तो ये मुझे कहने लगे तुम्हारा आश्रम बनवाएंगे बहुत अच्छा, और आप हमारे यहाँ चलिए। तो इनकी बहन को भी मैंने ठीक किया, तो इनको भी दबा दिया और भाई तुम अच्छे आदमी बनोगे और तुम्हारी सरकार बहुत अच्छी बनेगी, मायावती की सरकार। तो मामला क्या है आपका? मामला ये है कि इस जमीन के चक्कर में हमारे को ये लोग मारना चाहते हैं, और 19 साल से ये हमारे साथ उपद्रव करते आ रहे हैं। और ये लोग जो हैं, इन्होंने हमारी ये तस्वीर भी रखवाई, बाबा साहब अम्बेडकर की, बाबा रविदास की और बुद्ध भगवान की, मगर अब ये कोई कानून का पालन नहीं कर रहे हैं हमारे साथ जो कानून को ऐसे कुचल रहे, हर तरह से हमें बर्बाद करने की कोशिश किया जा रहा है, और पत्थर भी मारते हैं रात को और इस जमीन के ही चक्कर में। अगर गवर्नमेंट भी हमारी सहायता करती है तो उनको भी रोक देते हैं, SDM वगैरह को सबको रोक देते हैं। आज तक कोई अधिकारी हमारे पास नहीं आया हमारा दुख देखने के लिए, और हम इतने बुरी तरह से परेशान किया जा रहा है, और जो कि हमारा घर भी बर्बाद कर रहे। एक हैंडपम्प लगाया, 37,000 रुपये लिए ओम प्रकाश त्रिपाठी के भाइयों ने। ये दो भाई हैं इसके, एक बब्बन विजय नाम है, विजय भी है बब्बन भी है। इसकी सूचना आप प्रशासन को दिए थे? बहुत दिया जी। कहाँ कहाँ गए आप? अब मैं हम प्रधानमंत्री के पास तो रजिस्ट्री भी किया, ऑनलाइन भी किया, और मुख्यमंत्री के पास हम 4 बार गए, यह भी गई, ये लड़की भी गई और मैं भी गया, मगर प्रधानमंत्री ने कहा जाओ ऑर्डर चले जाएगा। 4 बार जब मैं मुख्यमंत्री से मिला, हार ठक्कर मैं अपने घर बैठ गया। तो इन्होंने DM को दिया, और DM SDM को दे देता है, SDM लेखपाल को दे देता है, और वे जिप्टी रिपोर्ट लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी कोई प्रशासन का अधिकारी नहीं आया है? कोई नहीं आया जी, आज तक बिल्कुल कोई अधिकारी नहीं आया, और हमारे को ऐसा समझा जा रहा है कि ये कोई इंसान नहीं। या आपके आँख पर चोट कैसे लगी? ये पत्थर मारा था जी परसों। कौन? ये गांव का एक विशाल है। अच्छा, हरिजन है। हरिजन है जी। किस बात को लेकर आपको प्रताड़ना दी जाती है? जी
किस बात को लेकर आपको प्रताड़ना दी जाती है? ये प्रताड़ना ये कि ये विशाल जो है ये एक कुरडी डाल रहा है और इस पर कब्जा करने की कोशिश किया, इनने मिट्टी भी बहुत गढ़ाई कर दिया बहुत गहरी। तो आगे जो है ये लोग आखिर क्यों आपको जान से मारना चाहते हैं? इस जमीन के चक्कर में जी, इस जमीन पर ये लोग कब्जा करे हुए हैं अब देश, और इनको हरिजन एक्ट भी लगी है, मगर ये किसी से डरते नहीं। इनके यहाँ दरोगा भी हैं और होम गार्ड भी हैं, और आटे में जहर भी मिलवाया और ऊपर तेजाब भी घेरने की कोशिश किया, मिट्टी का तेल भी मेरे यानी मच्छरदानी के ऊपर डाला, जब मेरे को ऊपर पड़ा हो मुझे खुशबू आई तो मैं उठ कर भाग लिया उसमें, वो आग नहीं लगा सके। कितनी बार आपके ऊपर ऐसी जानलेवा हमला की गई? ये दो बार जी। और इस बुढ़िया को मैंने, जिसके नाम जमीन है, इस बुढ़िया को मैंने अस्पताल में भर्ती किया, और जब ये डेंगू बुखार से परेशान थी, जब ये डेंगू बुखार से परेशान थी तो मैंने इसको, ये चंगी होगी चार दिन में, ये कहने लगी मेरी छुट्टी करवा दे। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर कहने लगा नहीं अभी एक दो चार दिन और रहने दे। डॉक्टर से मिलकर इन लोगों ने इसको बेहोश करके वहाँ से उठाया। मैंने दरोगा को दरखास्त दिया, दरोगा साहब मेरी पत्नी को पता नहीं कहाँ चले गई लेकर, अब कहाँ, अब जी कोई पता नहीं। मैंने दरखास्त दिया तो उन्होंने फोन कर दिया सब जगह, मुतियारपुर में भी और कादीपुर में भी और चौकियों में भी, मुरल्या वगैरह, उन्होंने फोन कर दिया कि भाई इसके नाम बैनामा है, कोई बैनामे पर इसके गुंठा ना लगवा ले बेहोशी में। उधर से जब उसे ले गए, वहाँ से कादीपुर में नहीं आ सके, तो पड़ेला के पास एक पड़ेला के दक्षिण एक गोराही गांव है, गोराही गांव में ले जा करके इसको, तो इन्होंने इसको बच्चा चोर करके मारने लगे, पेड़ से बांध करके, अब बच्चा चोर है इसे मार डालो, गुहार लगा रहे हैं बच्चा चोर है मार डालो। तो एक हमारा सिक्रेटरी था, उसकी बदली होगी कहीं दूसरी जगह, उसकी पत्नी प्रधान है वहाँ, उसकी उनने कहा, एक लड़के ने कहा अब प्रधान जी एक बच्चा चोर आई है और उसको मारने लग रहे, अब कहाँ, अब यहीं चमरोटी में, तो गए चमरोटी में दौड़कर, प्रधान ने जूता निकाला, खड़े हो गया, मारूंगा सालों को, कोई हाथ नहीं लगाएगा इसको। मैया तू माई तू कहाँ की है? अब भैया मैं तो जंगलिया की। ओ अच्छा, बाबा दलबीर सिंह की पत्नी है तू? अक हाँ भाई, तू कैसे जानता है? अरे मैं वहाँ 5 साल सिक्रेटरी रहा और मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। उसी ने 100 नंबर को बुलाया, 100 नंबर ने फिर उसको इसको बचाया, अक अम्मा तू गाड़ी में बैठ और तू वहाँ चल। उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया रात के 9 बजे, तो उन्होंने जब मुझे फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि बाबा अपनी पत्नी को ले जाओ, एक नानू तिवारी जहाँ वे लौट रहे थे, वह मंदिर नहीं था, उसी का भाई बड़ा भाई नानू तिवारी, वो मोटरसाइकिल कर जब हम उसको वहाँ से लाए, उस गाड़ी का नंबर भी है 100 नंबर का, मेरे पास नंबर भी है, तो मेरे फोटो भी हैं थाने में। तो जब इसको लाया तो मैंने पूछा तू कहाँ आई, अब पता नहीं, तो तब भी बेहोशी में थी है। अच्छा, ये जो मामला चल रहा है आपका कितने वर्षों हो गया? 19 वर्ष हो गए जी। तो खबरों का सिलसिला जो ही चलता रहेगा, मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।